तीन साल पहले भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान भरी। पहली बार देश के किसी रक्षा मंत्री ने स्वदेशी लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब आधे घंटे तक तेजस में रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तेजस का अपग्रेड वर्जन भी आने वाला है। राजनाथ ने तेजस में सुबह 10 बजे उड़ान भरी और उन्होंने वापस 10:30 बजे लैंड किया। विमान लैंड कराने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह HAL कर्मचारियों से मुलाकात की। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। 83 तेजस विमानों के लिए HAL को करीब 45,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब 28 सितंबर को भारत के केवस्तर के विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर अरब सागर में पूरा दिन बिताएंगे। इससे पहले उसी दिन INS खंडेरी को नौसेना में शामिल किया जाएगा। नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने बताया कि INS खंडेरी भारत की दूसरी स्कॉर्पियन वर्ग की मारक पनडुब्बी है जिसे P-17 शिवालिक वर्ग के युद्धपोत के साथ नौसेना में शामिल किया जाएगा और 28 सितंबर को ही रक्षा मंत्री विमान वाहक ड्राई डॉक की आधारशिला रखेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।